जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि तुहानू सारे वीरां नू पता है, गोरा आसरा सेवा कर जो पिंड बागा दे विच चलाया जा रहा नाथ बेसारे लवारसां दे लई, जो कि जथेबंदी वालों उन्हां सारे परिवारिक मैंबरां दी देखभाल कीती जांदी है, सांभ संभाल कीती जांदी है। दिन दे विच किवें उह अपना दिन बतीत करदे आ, आओ तुहानू इक झलक दिखालदे हां। अमृत वेले धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश किए जाते हैं, ते सर्वत दे भले दी अरदास बेनती की जाती है। बाद सोसाइटी दे सेवादारां वालों परिवारिक मैंबरां नूं बुरश कराया जांदे हन। जिहड़े तां मैंबर आप कर सकदे हन उहनां नूं आप कराया जांदा है, जिहड़े नहीं कर सकदे उहनां नूं जिहड़े सेवादार आप बुरश कराउंदे हन। अंत चाह दा टाइम हो जांदा है, 7 बजे चाह दे नाल बिस्कुट जां रस दित्ते जांदे हन। जे तकरीबन शरीरक सफाई नूं ध्यान रखदे हुए रोजाना इशनान करवाए जाते हैं, नौ चैक किए जाते हैं, होर शरीर की देखभाल जड़ी की जाती है। बीबिया वालों जड़ा कि प्रशादे की तैयारी की जाती है, 10 बजे तक पूर्ण तौर पर प्रशादे की तैयारी हो जाने तो बाद पंगतों में बिठा के गुरु मर्यादा के अनुसार पंगतों में बिठा के जड़ा प्रशादा छकाया जाता है। जिहड़े मैंबर प्रशादा नहीं छक सकते उन्होंने सोसाइटी के मैंबर आप जड़ा कि प्रशादा खिलाते हैं, उन्होंने देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने रोटी खाने का यहोजे परिवारिक मैंबर हैं जिन्हों रोटी खाने का भी नहीं पता है, किदा रो बुरकी तोड़नी है, किदा रोटी खानी है, पानी किमें पीना है, दाल किमें खा पीनी है, खानी है, उन्हां नूं सोसाइटी दे मैंबर आप जिहड़ा प्रशादा खिलाउंदे हन। बजे सारे ही परिवारिक मैंबरां दा टैंपरेचर कल्ले कल्ले दा बीपी चैक कीता जांदा है, क्योंकि वह आप बोल के नहीं दस सकते। फिर उस तों बाद जिन्हां दे जख्म होए है उन्हां दे पट्टियां कीतियां जांदियां हन। दुपहर 1:30 बजे फिर कोई मेनुओं के हिसाब के नाल जां मिठा कड़ा खीर खिचड़ी दलिया जां आलू चौल खिलाए जाते हैं। मैनू इस तरह सोसाइटी का बनाया होया है मैंबरां लई लई, एतवार नूं सवेरे दही परौंठे, दुपहर नूं मिठा कड़ा, शाम नूं मसर मूंगी, सोमवार नूं सवेरे मटर पनीर, दुपहर नूं खीर अते शाम नूं राजमा आलू, मंगलवार सवेरे काले चने, दुपहर नूं खिचड़ी, शाम नूं मां छोले, बुधवार मां मोठ, दोपहर नूं दलिया आलू बड़ियां, वीरवार सवेरे कढ़ी चौल, दोपहर नूं खिचड़ी, शाम नूं सब्जी अते दही, शुक्रवार सवेरे साबत मसर, दोपहर नूं दलिया चिट्टे चने, शाम नूं शनिवार सवेरे दले छोले, दोपहर नूं आलू चौल अते शाम नूं मिक्स दाल, जिहड़ी कि सोसाइटी इन्हां दे पूरे परिवारिक मैंबरां दे लई इह मेन्यू दे हिसाब दे नाल दालां अते सब्जियां जिहड़ियां उस हिसाब दे नाल बणाईआं जांदीआं हन, नाल प्रशादा बणाया जांदा है। ते धन्यवाद उन्होंने सारे ही वीरां दा जिहड़े साडी सोसाइटी दा सहयोग करदे हन। शाम नूं लगभग 4 बजे दे करीब सारी संगत नूं पंगत दे विच बिठा के चाह पिलाई जांदी है। दे टाइम फिर सारे परिवारिक मैंबरां नूं कसरत दे विच खेल कूद अते रनिंग कराई जांदी है। जो भी जिन्ने जिन्ना चिर टाइम कोई परिवारिक मैंबर ला सकदा है उन्ना चिर उन्हां नूं जिहड़ा कि कसरत करवाई जांदी है। दे नितनेम दे समय गुरु साहब दी हजूरी दे विच बैठ के नाम सिमरन कीता जांदा है, अते उस तों बाद रहिरास तों बाद गुरु साहब की चरणों में बेनती की जाती है
कि सारे परिवारिक मैंबर चढ़दी कला च रहन अते जो एन आर आई वीर बाहरले मुल्कां दे विच बैठ के जो गोरासरा सेवा घर नूं सपोर्ट करदे हन उन्हां दी बदौलत जो उन्हां दे दसवंध दे नाल जो ओह बैठ के जो समान भेजदे हन जो गोरासरा सेवा घर दी जो लोड़ीदियां चीज़ां हन ओह भेजदे हन उन्हां नूं गुरु साहब चढ़दी कला च रखण। शाम दी रोटी दी तैयारी की जाती है। उस तो बाद तकरीबन 8 बजे के लगभग जिहड़ा प्रशादा तैयार हो के पंगतां दे विच बिठा के जिहड़ा कि प्रशादा खिलाया जाता है जिन्हां परिवारिक मैंबरां तो फिर नहीं खा हुंदा उन्हां नूं फिर आप जिहड़ी परिवारिक मैंबर साडे प्रशादा खिलाउंदे हन। उस तो बाद जिहड़ा कि सौण की तैयारी की जाती है बिस्तरे बिछाए जाते हैं कला कला बिस्तरा बिछाया जाता है अते उस तो बाद बजुर्गां नूं दुध पिलाया जाता है जिहड़े बजुर्गां नूं दवाई चलती है उन्हां नूं दवाई रात नूं खिलाई जाती है दुध दे नाल। सौण दी तो बाद एक गार्ड की ड्यूटी हुंदी है गेट ते एक सिंह की ड्यूटी सीसीटीवी कैमरे ते हुंदी है जो दसदा है किथे प्रॉब्लम है कौन जागदा है ते किने बाथरूम जाना है। ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 400 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ।